सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, अज आप जिहड़ा चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है पी एल सी एंड माइक्रो कंट्रोलर। पी एल सी एंड माइक्रो कंट्रोलर जिहड़ा सबजैक्ट है इनू आपां तीन हिस्सों दे विच डिवाइड करके पढ़ांगे। फस्ट आपां हिस्से दे विच पी एल सी नू पढ़ांगे, सैकंड दे विच माइक्रो प्रोसैसर नू पढ़ांगे ते थर्ड हिस्से च माइक्रो कंट्रोलर नू पढ़ांगे। सो जिहड़ा फस्ट आपां स्टार्ट करना है वह है पी एल सी तों। सब तो पहला तो आपां नू इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जिहड़ी अपनी पी एल सी आ इहदी की नीड आ, क्यों आपां इहनू पढ़ रहे हैं, क्यों इहनू आपां स्टडी कर रहे हैं, तो फ्यूचर आस्पैक्ट्स की आ। सो पी एल सी की फुल फॉर्म जिहड़ी हुंदी आ वह हुंदी आ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। जिहड़ा अजकल दी इंडस्ट्री आ, तुहानू सारयां नू पता कि ऑटोमेशन का जिहड़ा बहुत मेजर रोल आ। बिकॉज पुराने समय की हुंदा सी, मान लो एग्जाम्पल दे रहा तुहानू मैं, आपां एक बॉटल फिलिंग इंडस्ट्री की एग्जाम्पल लै लईए तो की हुंदा सी, एक परसन स्पैशल हुंदा सी अपने को जिहड़ा बॉटल्स नू कलैक्ट करदा सी, दूसरा परसन जिहड़ा आ उस बॉटल्स नू फिलर तक लैके जांदा सी, तीसरा परसन उस बॉटल नू फिल करदा सी, फिर फोर्थ परसन उस बॉटल नू पैकेजिंग ते लैके जांदा सी, ते अगले जिहड़े परसन हुंदे सीगे उह अपने जिहड़े बॉटल्स हुंदियां सी फिल्ड बॉटल सी उहनां नू पैक करदे हुंदे सी। बट उहदे विच की सीगा, एक तां जिहड़ा टाइम बहुत लगदा सी प्रोडक्ट नू मैनुफैक्चर करन वास्ते, सैकेंड जिहड़ी अपनी आउटपुट हुंदी सी उह बहुत ज़्यादा नहीं आउंदी सी, ठीक है। बिकॉज जिहड़ा परसन हुंदा, एक ह्यूमन हुंदा, उहदे काम करन दीआं लिमिट्स हुंदीआं, उह अपनी लिमिट्स दे हिसाब नाल ही काम कर सकदा, 8 घंटे या 10 घंटे लगातार काम कर सकदा, इस तों ज़्यादा नहीं कर सकदा। सो आउटपुट ते भी उस चीज़ दा इफैक्ट पैंदा सी, मैनुफैक्चरिंग ते इफैक्ट पैंदा सी, ते एक प्रिसीजन नहीं सी आउंदी, एक्यूरेट नहीं हुंदा सी काम। सो हौली हौली उस तों बाद स्विचेस आए, दैन रोटरी स्विचेस आए, उस तों बाद रिलेज आईआं, उस तों बाद जिहड़ी चीज़ आई उह सीगी पी एल सी, ठीक है। सो पी एल सी जी है इनू आप डिटेल डिस्कस करा, अजक हर ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ के आप जो पी एल सी यूज़ करते हैं, इतों तक कि अपने जलंधर लुधियाना अमृतसर के जोड़े अपने जिन्हें भी सब स्टेशनस ने वह भी हूँ की आटोमैटिक करी जा रहे हैं, उन्होंने भी पी एल सी एंड स्काडा सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा, जिदे करके कि एक पर्टिकुलर सेंटर तो बैठ के आप हर सब स्टेशन का हर फीडर जोड़ा उन्होंने कंट्रोल कर सकते हैं। सो इलैक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते जिहड़ा तुहानूं पी एल सी के बारे पता होना चाहिए कि पी एल सी की चीज़ है तो किदां काम करती है। सो इहदे ही रिगार्डिंग आपां स्टार्ट करते हैं जां अपना फस्ट चैप्टर जिहदा नाम है इंट्रोडक्शन टू पी एल सी। नैक्सट कि आपां इस चैप्टर दे विच टॉपिक कवर करांगे वो सारे लिखे हुए आ, बहुत ही वधिया सबजैक्ट आ, सारे टॉपिक है ये। पी एल सी की हुंदी आ, कंसैप्ट कित्थों आया पी एल सी का, ब्लॉक डायग्राम पी एल सी का पढ़ांगे, फंक्शन की आ ब्लॉक्स के, पहला आप रिलेस यूज़ करते सी, रिलेस नू यूज़ करन दे की डिसएडवांटेजेस सीगे, पी एल सी के की एडवांटेजेस आ, की डिसएडवांटेजेस आ, किहड़ियां किहड़ियां लैंगुएजेस। वैसे तो पी एल सी की जिहड़ी आप बेसिक लैंगुएज यूज़ करते ग्राफिकल लैंगुएज होंदी, मैं तुहानू दिखाऊंगा भी किदां आप प्रोग्राम बनाउंदे आ, प्रैक्टिकल भी तुहानू दिखाऊंगा करके, एप्लीकेशनस की आ पी एल सी ते, किहड़े किहड़े मैनुफैक्चरर ने पी एल सी के इस टाइम मार्केट च। सो स्टार्ट करते हैं, फस्ट हैगा पी एल सी की चीज़ हुंदी है। पी एल सी की फुल फॉर्म तुहानू मैं पहला भी दसी आ, पी एल सी की फुल फॉर्म हुंदी आ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल सुन दे नाम तो ही काफ़ी चीज़ा क्लीयर हो जाएं आ, भी एक लॉजिक नू यूज़ करके आपां एक प्रोग्राम बनाउंदे आ जिहड़ा कि आपां मशीन दे विच अपलोड करदे आ, ते ओह मशीन की आ अगे अपने डिवाइसिस नू कंट्रोल करदी आ। सो इहदे नाम तो आपां नू बहुत कुछ पता लग जाता, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये तुसी याद रखनी फुल फॉर्म इहदी। जिहड़ा एक पी एल सी आ, एक छोटा इंडस्ट्रियल कंप्यूटर ही आपां इहनू कह सकते हैं, जिहदे विच जिहड़ा कि कॉम्बीनेशन हुंदा हार्डवेयर दा सॉफ्टवेयर दा, ठीक है। हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर दा किद्दां कॉम्बीनेशन, जिद्दां देखो आ मेरे कोल आ पी एल सी आ, एक छोटी सीमेंस कंपनी दी, ये हार्डवेयर आ, इहदे विच आपां अपलोड की करांगे सॉफ्टवेयर। सो ये कॉम्बीनेशन हुंदा हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर दा, ठीक है। सो जिहड़ा अपना सॉफ्टवेयर हुंदा आ उहनू आपां की करदे आ, एक प्रोग्राम हुंदा, प्रोग्राम बना के आपां अपलोड करदे आ, ते आपां बहुत सारे फंक्शनस जिहड़े आ उह परफॉर्म कर सकदे आ उस प्रोग्राम दे थ्रू। जिहड़ी पी एल सी हुंदी आ इहदे विच अपनी इंटरनल ही रोम हुंदी आ, ते इंटरनल ही रैम, यानी कि मैमरी इहदी जिहड़ी हुंदी आ इंटरनल मैमरी ही हुंदी आ, जिन्नी भी हुंदी, जिद्दां आपणे सैलफोनस दे विच इंटरनल मैमरी हुंदी ना रैम ते रोम, उद्दां इहदी भी आपणी इंटरनल मैमरी हुंदी आ। बाकी इहदियां नंबर ऑफ इनपुट्स ते नंबर ऑफ आउटपुट्स हुंदियां, जिद्दां देखो उपरली साइड तुसी देख सकते हैं इनपुट 8xDC, इत्थे ये साइड जिहड़ी है इनपुट आ, ते जिहड़ी अपनी आह साइड आ ये अपनी आउटपुट आ। इहदी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुंदी है,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुहानूं मैं दिखाऊंगा वी लैडर लॉजिक कहिंदे आ उहनूं आपां ग्राफिकल लैंग्वेज हुंदी आ सी प्लस प्लस दी तरह आपां नूं लिखनी नहीं पैंदी कोडिंग इहदी जिहड़ी कोडिंग आपां नूं एक तरह ड्रॉ करनी पैंदी आ जिद्दां आपां ड्राइंग करदे आ ना उद्दां ड्रॉ करदे आ आपां इहदी जिहड़ी प्रोग्रामिंग हुंदी इस करके इहनूं आपां ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह दिंदे आ कैन परफॉर्म नंबर ऑफ फंक्शंस बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं इहदे आपां सिर्फ एक नहीं तो आप टाइमर ला सकते हैं ये आप काउंटर ला सकते हैं एक DOL स्टार्टर तुम पढ़ते हैं टर्म अपने इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सो DOL स्टार्टर भी आप PLC दे ही बना सकते हैं बाहरों खरीदने की बजाय PLC दे ही आप छोटा जा प्रोग्राम हों तो आप DOL स्टार्टर भी बना सकते हैं सो नंबर ऑफ फंक्शन आप बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ये प्रोग्रामिंग भी यदि बहुत ईजी होंगी है कोई हाईली स्किल्ड परसन नहीं चाहिए जिदा सी प्लस प्लस या जावा की प्रोग्रामिंग या सी शार्प की प्रोग्रामिंग करने वास्ते एक स्किल्ड परसन चाहिए जिन्होंने सारी डिटेल पता हो कोई इदा की चीज़ नहीं है कोई जिन्हों जिस बंद रिले लॉजिक की समझ लगती है वो ईजीली जोड़े ये प्रोग्राम्स ने ड्रॉ कर सकता पुराने समयां दे विच हुण कंसैप्ट की आ PLC दा पुराने समयां दे विच आपां की यूज़ करते हैं जिदा तुसीं देख सकते हो आपां रिले यूज़ कीतियां रिले का एक छोटा जिहा डायग्राम है इंटरनल व्यू आ रिले का जिद की हों इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन प्रिंसीपल के उपर ही काम करती सी रिले फिर अपने को रोटरी स्विचेस भी आया डायग्राम जो है रोटरी स्विचेस का है रोटरी ड्रम स्विचेस उस बाद इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर इलैक्ट्रोमैगनैटिक रिलेस रिलेस के बारे तो भी सारे जानते हो उस तो बाद अपने को परसनल कंप्यूटरस आए ये सारिया चीज़ें जीडिया से इन्हों पेल इंडस्ट्री के यूज़ करते अलग अलग फंक्शन नूं परफॉर्म करने वास्ते बट वो जिन्ने भी फंक्शन सीगे वो सारे फंक्शन जिहड़े हुण आपां अपने PLC दे विच परफॉर्म कर सकते हैं सो इन्हां सारिआं नूं जिहड़ा है PLC ने रीप्लेस कर दिता होया आ मेरे को देखो ब्लॉक डायग्राम आ PLC दा इत्थों तुहानूं थोड़ा जिहा आइडिया हो जूगा कि PLC जिहड़ी हुंदी आ उहदे विच एक्चुअल च हुंदा की है सो फस्टली जिहड़ी PLC हुंदी आ उहदे विच मेन पार्ट्स जिहड़े हुंदे आ उह पांच छे मेन पार्ट्स होंगे सब तो पहला मेरे को आ जाता है इनपुट मॉड्यूल जिहड़ा उहदे विच मैं कोई भी इनपुट कनैक्ट कर सकता जरूरी नहीं कि मैं इनपुट दे विच अपने स्विचेस ही लाने आ मैं इनपुट दे विच अपने पुश बटनस भी ला सकता है लिक्विड लैवल यानी कि जिहड़े फ्लोट होंगे फ्लोट जिदा देख लो पानी दीआं टैंकियां दे विच फ्लोट होंगे उदां दे फ्लोट स्विच भी मैं यूज़ कर सकता लिमिट स्विच भी यूज़ कर सकता मैं इहदे विच प्रैशर स्विच भी यूज़ करता जां फिर मैं कोई सेंसर भी यूज़ कर सकता है उस तो बाद मेरे को आ जाता है CPU जिहड़ा हुंदा इहनूं आपां प्रोसैसिंग मॉड्यूल भी कह दिंदे आ इह डायग्राम तुसीं जरूर बना लेना अपनी कॉपीज ते ड्रॉ कर लिओ ब्लॉक डायग्राम आ बहुत इंपॉर्टेंट आ इह CPU जिहड़ा हुंदा इहनूं आपां प्रोसैसिंग मॉड्यूल भी कह दिंदे आ जिन्ना जिहड़ा भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना हुंदा आ उह इस CPU दे विच ही होना हुंदा जिहड़ा भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना उह CPU दे विच ही होना फुल फॉर्म यदि होंगी सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट तुहानूं पता ही होना नैक्सट मेरे को आ जाता है आउटपुट मॉड्यूल मैं तुहानूं दिखा देना डायग्राम इहदा दोबारा आ देखो आ मेरा हुंदा इत्थे इनपुट मॉड्यूल आ मेरा आउटपुट मॉड्यूल ठीक है आउटपुट दे विच मैं कुछ भी कनैक्ट कर सकता जो भी मेरी नीड आ मैं चाहवा मोटर कनैक्ट कर सकदा सोलिनोइड कनैक्ट कर सकदा जां अपना स्पीकर कनैक्ट कर सकदा जां चाहवा कोई लाइट भी कनैक्ट कर सकदा मैं इहदे नाल जिहड़ी भी चीज़ नूं मैं कंट्रोल करना उस तो बाद इहदे विच मेरे कोल आ जांदा है मैमरी हुंदी है जिहड़ी प्रोग्राम नूं यूज़र दे प्रोग्राम नूं स्टोर करके रखती बिकॉज आपां जिहड़ा प्रोग्रामिंग डिवाइस आ इत्थे कोई PC आ प्रोग्रामिंग डिवाइस दे विच जे कोई मैं प्रोग्राम बनाया उहनूं मैं अपलोड करूँगा CPU 'च सो CPU ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮਰੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਮਰੀ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰੀਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੋਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰੋਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਮਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ बाकी CPU ने जिहड़ा प्रोग्राम रीड करना हुंदा है वह मैमरी दे विचों ही रीड करना हुंदा सो उस अकॉर्डिंग ही CPU ने अपना जिहड़ा आउटपुट देनी हुंदी आ आपां उस तो बाद नैक्सट मेरे कोल इहदा पार्ट आ जांदा है पावर सप्लाई जिहड़ी है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस तो बिना तुहानूं पता PLC चल ही नहीं सकदी पावर सप्लाई जिहड़ी आपां दिंदे आ इहनूं सिंगल फेस AC भी दे सकदे आ DC भी दे सकदे आ
5 वोल्ट तो लैके 24 वोल्ट तक वेरी करती है, पीएलसी टू पीएलसी डिपेंड करता है भी आपां नूं किन्नी सप्लाई देनी है। जे कोई वड्डी पीएलसी आ उहनूं आपां एसी सप्लाई दे दिंदे आ, उस तों बाद जिहड़ी आ उह सप्लाई कन्वर्ट कर दिंदे आ 24 वोल्ट दे विच। छोटी पीएलसी जिहड़ी आ 5 वोल्ट ते वी चल सकदी है। सो ये सी पावर सप्लाई, इनपुट मॉड्यूल, सीपीयू, आउटपुट मॉड्यूल, मैमरी। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस के बारे तुहानूं मैं पहला भी दस्सिया, ये अपना सिंपल कोई भी परसनल कंप्यूटर या हैंडहेल्ड डिवाइस या कोई इंडस्ट्रियल टर्मिनल हो सकता जिथे आपां अपना जिहड़ा प्रोग्राम बना सकीए। बाकी ये कनैक्टेड नहीं रहिंदा सीपीयू दे नाल, इहनूं आपां डिटैच कर सकते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं है कि तुसीं अपनी पीएलसी दे नाल 24 घंटे ही अपना लैपटॉप या पीसी कनैक्टेड रखना है। तुसीं एक बार प्रोग्रामिंग करके उहनूं सीपीयू जदों अपलोड करता, उस तों बाद तुसीं इस डिवाइस जिहड़ी आ इस डिवाइस नूं रिमूव भी कर सकते हो, डिटैचेबल हुंदी है डिवाइस। ये सारे जिहड़े आ फंक्शनस तुहानूं मैं दस्सिया, सारे जिहड़े भी ब्लॉक्स हुंदे आ किद्दां काम करदे आ, तुसीं सारे अपने नोटबुक्स के उपर नोट भी कर लो। इनपुट मॉड्यूल तुहानूं मैं दस चुका की काम हुंदा इहदा भी। इनपुट मॉड्यूल जिथे आपां इनपुट दिंदे आ, आउटपुट मॉड्यूल तो आपां नूं आउटपुट आउंदी आ। सीपीयू सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट जिन्हें प्रोग्राम रीड करना हुंदा, रीड कित्थों करना हुंदा, वह करना हुंदा उन्हें मैमरी चो। तो मैमरी प्रोग्राम कित्थों आउंदा आ, मैमरी प्रोग्राम आउंदा प्रोग्रामिंग डिवाइस तो, जिहड़ा अपना पीसी आ परसनल कंप्यूटर आ जिहड़ी भी डिवाइस आपां नाल कनैक्ट कीती डिटैचेबल हुंदी आ प्रोग्रामिंग डिवाइस। उस तों बाद पावर सप्लाई आ जाती है, पावर सप्लाई तो बाद कम्यूनीकेशन और सीरीयल पोर्ट आ जाता मेरे को। कम्यूनीकेशन पोर्ट सेम ही चीज़ अपना एक पोर्ट जिदा यूएसबी पोर्ट हुंदा ना, उस पोर्ट नूं कम्यूनीकेशन पोर्ट कह दिंदे आ, जिहदे नाल आपां कनैक्ट करते हैं अपने सीपीयू ते प्रोग्रामिंग डिवाइस नूं, वह हुंदा कम्यूनीकेशन पोर्ट या सीरीयल पोर्ट। सो इन्हां सारे दे फंक्शन तुहानूं समझ लग चुके आ। नैक्सट आपां चलते हैं रिलेस के बारे आपां थोड़ा जिहा डिस्कस करते हैं, क्योंकि पीएलसी तो पहलां आपां जिहड़ियां सीगियां आपणियां रिलेस ही यूज़ करते सी। सो रिलेज़ के बारे तुहानूं पता होना थोड़ा जिहा कि जिहड़ियां रिलेज़ हुंदियां आ इह किहड़े प्रिंसीपल ते वर्क करदियां, इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन प्रिंसीपल दे उपर। जिदा अपनी अजकल कार्स दे विच, वैसे अजकल भी यूज़ करदे कार्स दे जिहड़ा कार दा हॉर्न हुंदा उहदे विच इक छोटी जिही आपां रिले यूज़ करदे हां, उही रिले आ जिहड़ा डायग्राम बणिया होया रिले दा। इह रिले किद्दां काम करदी आ तुहानूं दस्सिया सीगा कि जिहड़ियां रिलेज़ हुंदियां इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन प्रिंसीपल दे उपर काम करदियां आ। सो देखो एक डीसी सप्लाई आ, स्विच लगा होया इत्थे, ये जिहड़ा स्विच आ ये कदों काम करेगा, जिदा हॉर्न नूं आपां प्रैस करदे हां स्टेयरिंग दे उपर सेंटर पार्ट नूं जदों आपां प्रैस करदे हां तां की हुंदा, आह सर्किट जिहड़ा आ इत्थे क्लोज़ हो जांदा। जदों इह सर्किट क्लोज़ होया मेरा इत्थे सर्किट कंप्लीट हो गया, जदों इह सर्किट कंप्लीट होया इत्थे की होणा आ मैगनेट बन जाना। जदों मैगनेट बनया उन्हें की करना, इस आर्मेचर नूं आयरन आर्मेचर नूं अपने वाल अट्रैक्ट करना। जदों ये आर्मेचर जिहड़ा आर्मेचर आ इन्हां दा आर्मेचर इत्थे आके जुड़ गया तो की होना, आह वाला पार्ट जिहड़ा आ उपर नूं मूव होना तो आह कॉन्टैक्ट जिहड़े आपस च जुड़ जाने। जदों ये कॉन्टैक्ट जुड़े तो अगे जिहड़ा सर्किट आ मेरा इन्हें हॉर्न सिग्नल दे देना, हॉर्न वजन का, तो हॉर्न अपना वजदा। इदा जिहड़ी हुंदी एक रिले काम करदी आ, रिले काफ़ी तरह दी हुंदी, एसी रिलेज भी हुंदी जिहड़ी आ शो कीती है, डीसी रिले आ। बेसिक कंसैप्ट सीगा कि तुहानूं रिले दे बारे समझाउणा कि रिले किद्दां काम करदी आ ते रिले की चीज़ हुंदी आ। सो हुण अपने कोल लिमिटेशनस भी आ जांदियां कई तरह दियां, यानी कि डिसएडवांटेजेस भी आ जांदियां, की हुंदियां। सब तो पहली तां हैगी आ कॉन्टैक्ट वीयर एंड टीयर, जिहड़ा कॉन्टैक्ट आयरन आर्मेचर आ ये बार बार कनैक्ट होना इलैक्ट्रोमैगनैटिक मैगनेट के नाल, फिर उस तो बाद इन्हें अलग हो जाना फिर कनैक्ट होना। सो वीयर एंड टीयर आ जाता उस पार्ट से। नॉट यूजेबल फॉर कॉम्पलैक्स सर्किट्स, यानी कि जे आप कोई सीकुएंस चलाना आ भी फस्टली मेरा फस्ट स्विच ऑपरेट हो, सैकेंडली मेरा थर्ड स्विच ऑपरेट हो, फिर थर्ड स्विच बंद हो, फिफ्थ ऑपरेट हो, सारिया जे आप चीज़ा करनिया हो रिले पॉसीबल तो है, बट सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेटड हो जाता, बहुत सारिया हार्ड वायरिंग्स आ जाएँ उत्थे। नैक्सट डिसएडवांटेज हैगा नॉट ईजी टू मॉडिफाई, जिहड़ा आप सर्किट रिले का बनाया होगा ईजीली आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, बाकी जगह भी बहुत घेर दियाँ रिले। जे आपां वड्डे लैवल दे उपर गल करिए, छोटे वैसे तां रिले दा साइज़ बहुत छोटा हुंदा, बट जे आपां पीएलसी दे नाल कंपेयर करिए, एक जगह ते जे मैं पीएलसी यूज़ करदा बहुत वड्डा सीकुएंस जे मैं बनाउणा आ तां उत्थे रिले जिहड़ी आ जगह ज़्यादा ही लऊगी। मान लो मैं 10 सीकुएंस चलाउणे आ अपने स्टैप बाय स्टैप, उत्थे पीएलसी घट जगह लऊगी, बट जे मैं उही 10 सीकुएंस रिलेज़ दे नाल चलाउण दी कोशिश करां तां उह जिहड़ियां रिलेज़ आ उह जगह ज़्यादा लैणगियां। नैक्सट आ गया फॉल्ट लोकेशन, फॉल्ट लोकेट करना बहुत मुश्किल आ,
रिलेज दे विच, क्योंकि बहुत सारिया वायरिंग आ जाती है ये विच, ठीक है। सो वायरिंग दे विच फॉल्ट लगना जिहड़ा आ एक प्रॉब्लम आ। नैक्सट टाइम ऑफ ऑपरेशन, जिहड़ियां रिलेज होंदियां ऑपरेट होण नूं टाइम लैंदियां, पी एल सी जिहड़ी बिल्कुल टाइम नहीं लैंदी, बट जिहड़ियां रिलेज होंदियां ऑपरेट होण नूं टाइम लैंदियां। नैक्सट मेरे को आता मेंटेनेंस, रिलेज की मेंटेनेंस आपां नूं ज़्यादा करनी पैंदी है एज कंपेयर टू पी एल सी, क्योंकि ये हार्ड वायरस आ जाती हैं, इस करके आपां नूं इहदी ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पैंदी है। नैक्सट आ गए मेरे को पी एल सी के की एडवांटेजेस आ ओवर इलैक्ट्रोमैगनैटिक रिले, जे मैं रिले कंपेरिजन करा तो की एडवांटेजेस आ पी एल सी के। फस्ट ऑफ ऑल वी हैव फलैक्सीबिलिटी। फलैक्सीबिलिटी का मतलब आ कि आप जो प्रोग्राम हों अपना ईजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। जे रिले की गल करिए, रिले के अपने को बहुत सारिया वायरस आ जाए, सो जे उ मैं प्रोग्राम मॉडिफाई करना हो तो बहुत सारिया कॉम्प्लीकेशनस आ, एक भी वायर जो गलत लग गई तो उत्थे की होना, उत्थे पटाका पै जाना, इन्हों पर पंजाबी कहने ना पटाका पैना, ठीक है। उत्थे की है स्पार्किंग हो सकती है, अग भी लगन का खतरा है, तो उत्थे मॉडिफिकेशन करनी थोड़ी जी मुश्किल आ। बट जे पी एल सी की आप गल करिए, इत्थे की है मेरे को एक प्रोग्राम हैगा, जे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम ईजीली मॉडिफाई कर सकता, सो फलैक्सीबिलिटी ज़्यादा है यदि। नैक्सट मेरे को प्री टैसटिंग, प्री टैसटिंग का मतलब आ कि मैं अपने सॉफ्टवेयर के ही अपने जोड़ा प्रोग्राम उन्होंने चला के देख सकता कि प्रोग्राम सही चलूगा कि नहीं चलूगा। यह नहीं है कि मैं पी एल सी के अपलोड करने तो बाद ही पता लगेगा कि प्रोग्राम किदा चल रहा है, मैं पहले ही उन्होंने टैसट कर सकता, जो मैं पता लग गया प्रोग्राम मेरा सही है तो मैं उस प्रोग्राम अपलोड कर सकता है, जे नहीं सही तो मैं मॉडिफिकेशन कर सकता। थर्ड आ गया स्पेस रिक्वायरमेंट, जी पी एल सी होंगी साइज़ के बहुत छोटी होंगी है, डिपेंड करता किन्ने सीकुएंस चलाने वो, बट पी एल सी का जोड़ा साइज़ होंगे ना एज़ कंपेयर टू रिले बहुत छोटा होंगे। नैक्सट आ जाती है मेंटेनेंस, पी एल सी की बहुत ही अपन मेंटेनेंस की लड़ नहीं पैंती, पी एल सी की बहुत घट मेंटेनेंस की लड़ पी है। उस तो बाद पॉइंट मेरे को आ जाता है, हाँ मेंटेनेंस की तो भी घट्ट लड़ पैंती, क्योंकि कोई वीयर एंड टीयर नहीं होना, यह भी रीज़न हैगा कि मेंटेनेंस की घट्ट लड़ पैंती। थर्ड पॉइंट मेरे को आता रिलायबिलिटी, सो कोई भी मकैनिकल सिस्टम नहीं है ये, इस करके रिलायबल ज़्यादा होंगे, सारे इलैक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होंगे ये। नैक्सट आता है मेरे को पावर कंजम्पशन, हुण इलैक्ट्रोमैगनेट जिहड़े हुंदे आ, इलैक्ट्रोमैगनेट करके की हुंदा आ अपना जिहड़ा पावर फैक्टर हुंदा उह घट जांदा, पावर फैक्टर घट होण करके की हुंदा अपने लॉसिस वधदे आ, सो पावर कंजम्पशन जिहड़ी होगी उत्थे ज़्यादा होगी। बट पी एल सी दे केस इदां दा नहीं है, क्योंकि पी एल सी कोई भी आपां इलैक्ट्रोमैगनेट नहीं यूज़ करदे, इस करके पी एल सी की पावर कंजम्पशन जिहड़ी हुंदी आ बहुत घट हुंदी है, डी सी सप्लाई ते चलदी आ, इह बहुत घट पावर कंजम्पशन हुंदी है इहदी। नैक्सट हैगा मेरे कोल इंस्टॉलेशन, बहुत ईजी आ इनू इंस्टॉल करना एज़ कंपेयर टू रिलेज, जिद वायरिंग करनी पैंती है हर पार्ट की, ये कोई वायरिंग नहीं करनी पैंती, सिंपल यदि इनपुट्स आ सिंपल आउटपुट आ, इनपुट तो आउटपुट तुम बस ध्यान देने लाइनिया होंगे तो यदा प्रोग्राम अपलोड करना होंगे, बहुत ईजी आते कितने भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई स्पैशल तुम वास्ते रूम नहीं बना पैना, जिथे इक्विपमेंट पे आते भी इनू ला सकते हैं। नैक्सट आ गया नो फिजिकल कॉम्पोनेंट, नो फिजिकल कॉम्पोनेंट का मतलब आ कि टाइमर ते काउंटर जिहड़े आपां नूं इहदे विच फिजिकल नहीं लाने पैंदे, सॉफ्टवेयर दे विच ही टाइमर ते काउंटर हैगे, मैं तुहानूं सॉफ्टवेयर ओपन करके उहदे विच दिखाऊंगा भी टाइमर ते काउंटर कित्थे हुंदे आ, बट कोई भी तुहानूं जिहड़ा आ इहदे विच फिजिकल टाइमर ते काउंटर नहीं लाने पैंदे, सब कुछ अपने कोल सॉफ्टवेयर दे विच आपां उत्थों ही लगा के चैक कर सकते हैं ते अपलोड कर सकते हैं। नैक्सट स्पीड ऑफ ऑपरेशन, जिहड़ा स्पीड ऑफ ऑपरेशन रिले दे विच थोड़ा टाइम लैंदी है रिले ऑपरेट होने ड्यू टू इलैक्ट्रोमैगनेट, पहला उन्होंने सप्लाई देवे इलैक्ट्रोमैगनेट बनूगा फिर ऑपरेट होगी, बट जी पी एल सी है यदा मिली सैकेंड्स के होंगे टाइम ऑफ ऑपरेशन, बहुत घट टाइम लेंदियाँ ऑपरेट होने। नैक्सट हैगा फीडबैक सर्किट, फीडबैक सर्किट जोड़े आ, हूँ मान लो मैं कोई सीकुएंस बनाया या कोई कॉम्पलैक्स सर्किट बनाया आ, उत्थे मैनू फीडबैक की बहुत जरूरत होंगी है कि मैं पता लगे मेरे सर्किट जोड़ा किदा ओपरेट कर रहा, वो फीडबैक जी आप आराम प्रोग्राम के ही मिल जाती है, अपलोड करने तो पहले ही आपको पता लग जाता है। नैक्सट हैगा रिमोट मोनीटरिंग, रिमोट मोनीटरिंग का थानू मैं स्टार्टिंग भी दसिया कि अपने जनरल लुधियाना तो अमृतसर आप जोड़े भी सब स्टेशन आ सारे पी एल सी एंड स्कटर के नाल कनैक्टड हो, सो सारे की है रिमोट ऑपरेटड है, यानी कि मैं की है मान लो थोड़े तुम अपने कॉलेज तो बैठ के तुम जो मान लो अपने कॉलेज के एक अपना रिमोट मोनीटरिंग सेंटर बनाया हुआ तो तुम अपने कॉलेज तो बैठ के अपने एरिए सारे सबस्टेशन जोड़े आ उन्होंने कंट्रोल कर सकते हैं,
ਸੋ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆ PLC ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PLC ਲਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡੀਬਗਿੰਗ। ਡੀਬਗਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰ ਲੱਭਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ। ਇਹਦੇ PLC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਰਰ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਐਰਰ ਲੱਭਣੇ। ਕਿਉਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਰੈੱਡ ਐਰਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਡੀਬਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ PLC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਟੋਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਲ ID ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।